मेघा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में. कब आपके दिमाग में ख्याल आया कि मेरे को IFS में जाना है? आई थिंक मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब था जब मैं 20 इयर्स की थी. तो उस समय मैं एक्चुअली US में पढ़ रही थी और मेरा मन बना हुआ था उस टाइम मैंने जर्नलिज्म और क्रिएटिव राइटिंग करनी है. तो UPSC तो बिल्कुल भी सीन पे नहीं था, सिविल सर्विसेज भी नहीं था. तो उस समय मैं थर्ड ईयर में अपने बैचलर्स में थी. तो मेरे प्रोफेसर थे वो अमेरिकन फॉरेन सर्विस में थे, US फॉरेन सर्विस में थे. तो उन्होंने उनके साथ मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस करी और साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे की क्लासेस लीं. तो फिर उनसे जब फॉरेन सर्विस की कहानियाँ सुनी और फिर उन्होंने ही वॉज द फॉर्मर US एम्बेसडर टू इंडिया एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स. तो उस समय बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग लगा, लाइक फॉरेन सर्विस एज अ करियर बहुत इंट्रीगिंग और बहुत इंटरेस्टिंग लगा. और मुझे मैंने रिसर्च किया उस पर एंड मुझे लगा कि ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी कंट्री के लिए वर्क करने के लिए और अपने कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के लिए. तो उस समय मैं 20 इयर्स की थी, तब फिर उसी वक्त डिसाइड किया और उसी वक्त फिर केम बैक टू इंडिया एंड गॉट इनटू सिविल सर्विसेज. सो आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब प्रेपरेशंस में व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस, सर की आपको ज़रूरत कब पड़ी, ये आपसे जानना चाहिए. मैंने इनफैक्ट अपना फर्स्ट, मेरा थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है. तो मेरे फर्स्ट टू अटैम्प्ट्स में तो मेरा प्रिलिमिनरी नहीं क्लियर हुआ था, तो मैं इनिशियल स्टेज ही नहीं क्लियर हुआ था मेरा. तो उस समय फिर मैंने एक्चुअली एक साल बाद उसके बाद गैप ईयर लिया. तो मैंने 2014 और 15 में अपने फर्स्ट टू अटैम्प्ट्स दिए, उसके बाद एक साल आई टुक अ ईयर ऑफ एंड देन फिर मैंने 2017 में फिर से अटैम्प्ट दिया. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एक ईयर ऑफ लेना क्योंकि आई वॉन्टेड टू फोकस ऑन माई सेल्फ और अपने, तो मैं चाहती थी कि मैं इमोशनली और मेंटली रेडी रहूँ अटैम्प्ट के लिए. काफ़ी कैंडिडेट्स में होता है कि इन सक्सेशन आप अटैम्प्ट देते रहते हो देते रहते हो. मुझे था कि मुझे आई वॉज नॉट रेडी टू राइट एन अटैम्प्ट. तो मैंने 2001 साल ऑफ लिया एंड ऑन दैट, इन दैट वन ईयर मैंने आई वर्कड ऑन माई सेल्फ और अपने आप को ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग किया, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया. और फिर उसके बाद फिर से आई सिविल सर्विसेज देने को एंड देन फिर हो गया क्लियर, थर्ड अटैम्प्ट में निकल.